हेलो गाइस, एसआर की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तौफिक खान। तो दोस्तों, आज हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रतिबिंब का बनना, जो दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, चाहे उत्तल लेंस से हों, अवतल लेंस से हों, उन प्रतिबिंबों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ध्रुव, फोकस दूरी, मुख्यक, वक्रता केंद्र, इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, आवश्यक। तो देखिए दोस्तों, कल हमने जो है गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था। इस बार मैं उसको दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। पढ़ा था कि गोली दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोले। उसके लिए हमने एक चित्र भी बनाया था और हमने देखा था कि ये जो गोलीय दर्पण आप देख रहे हो, इसका एक प्रश्न, मैं कल आपको पहले वाले कल के वीडियो में एक बार चेक कर सकते हो कि ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक आधा प्रश्न है, ये मैं अगर इस बात की बात करूँ, ये इसके बाद आधा, ये तो इसके जो ये आधा प्रश्न, ये आधा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न। अब देखिए, इसके लिए मैं कल आपको बता चुका हूँ कि इसका एक प्रश्न भी गोली हो तब भी काम चलेगा, लेकिन सार्थक परिभाषा क्या थी? ऐसा दर्पण जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोले हों, गोली दर्पण का। फिर हमने इसके प्रकार पढ़े थे, कल की वीडियो में आप उनको चेक करो। तो देखिए दोस्तों, अब हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको पढ़ें। तो मैं आपको लिख रहा हूं, पहले देखिए, तो दर्पण से संबंधित जो ये परिभाषाएं आप देख रहे हो, उनमें मैं उन सारी परिभाषाओं को बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। बात करते हैं पहले वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने जो है ना इन सबको एक एक जैसी परिभाषा में जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे कि उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से उनको समझ सकते हैं। तो इन दोनों को, चाहे वक्रता केंद्र हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, फोकस हो, मुख्यक हो, फोकस दूरी हो, ध्रुव हो, इन सारी परिभाषाओं को मैंने एक लाइन में जोड़ा हुआ है। तो देखिए, वैसे आप चाहो तो उनको अलग अलग याद कर सकते हो, लेकिन मैं इनको एक डिटेल में इस तरह से जोड़ा है कि जिससे इनको आसानी से याद किया जा सकता है। देखो, जैसे वक्रता केंद्र क्या है, और हम पढ़ रहे हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो दर्पण हमारे पास गोलीय था, गोलीय दर्पण से संबंधित। तो अब देखिए, जैसे वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र क्या है, हमने पढ़ा है, हम अभी हमने चित्र भी बना के देखा था, देखा था कि गोलीय दर्पण जो है इस तरह का होता है। ये गोलीय दर्पण, तो इसको किस तरह से मैंने बना रखा है अपनी अपनी परिभाषा में, जिससे कि उसको आसानी से, हर चीज को आसानी से याद किया जा सकता हो। तो देखिए, गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है। एक खोखला गोला आप देख रहे हो, बिल्कुल खोखला गोला है, बिल्कुल एकदम। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, और खोखले गोले का केंद्र ही, देखिए मैं अगर प्रकार और पटरी की सहायता से इसको बनाऊं, इस तरह से तुमने देखा होगा कि मैं इस तरह से जब हम कोई वृत्त बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो प्रकार की नोक का नोक होती है, जो उसको यहाँ रखते हैं, इस तरह से हम सिर्फ पेंसिल को यूं घुमाते हैं। तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण को खोखला गोला माना जा, तुम देख रहे हो खोखला है, गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र। ये प्रकार की जो नोक होती है ना, इसको रख के हम घुमाते हैं, तो ये क्या है? ये वक्रता केंद्र। तो उसको कैसे याद रखेंगे? आप चाहो तो सीधा कह सकते हो कि गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो आगे लिखना है आपको, वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां लिख सकते हो आप। तो वक्रता केंद्र समझ में आया ना? दूसरी परिभाषा देखो,
वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या क्या है? देखिए फिर वही चीज, मैंने इन सारी परिभाषाओं को एक लैंग्वेज के हिसाब से जोड़ रखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे? वही बात, गोली दर्पण क्या है? खोखला गोला है, फिर उसका दोबारा चित्र बना तो मुझे गोली दर्पण, यही वाली बात। सब में बिल्कुल इनको एक जैसे मैंने इसलिए जोड़ रखा है जिससे आसानी से याद होगा। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? वही बात, गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है। अभी हमने देखा था खोखले गोले का केंद्र तो वक्रता केंद्र था, ये जो हमने इसके ऊपर पढ़ा। और खोखले गोले की त्रिज्या, ये तुमने देखिए आप इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी हमने सर्किल जिसको हम वृत्त कहते हैं उसका पूर्ण व्यास 2 सेमी है तो उसका जो अर्धव्यास होगा वो 1 सेमी होगा। तो अर्धव्यास जो है ना, अर्धव्यास को अपने मैथ में भी पढ़ा होगा, अर्धव्यास को त्रिज्या कहा जाता है। ये अर्धव्यास ही तो है, सागर में इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक और खींचे पूर्ण व्यास हो जाएगा, अर्धव्यास ये त्रिज्या है। तो इसको कैपिटल आर भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का जो केंद्र था उसको तो हमने वक्रता केंद्र कहा, और यहाँ से जो खोखले गोले की त्रिज्या है ये अर्धव्यास जिसको हम लोग कहते हैं उसे वक्रता त्रिज्या। तो कैसे याद रखोगे? गोली दर्पण को खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे कैपिटल आर से स्मॉल आर भी लिख सकते हो से व्यक्त कर। तो दो परिभाषाएं क्लियर हुई, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। मुख्य मुख्य क्या है? देखिए मुख्यक के बारे में अब वही बात, मैंने इनको इस तरह से कॉमन रूप से ले रखा है, और वही बात मैं दोबारा से आपको बता देना चाहता हूँ। बार बार इनको मैं इस तरह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब अलग अलग परिभाषा है, इनको एक तरह से मैंने कनेक्ट किया हो वो कैसे, देखिए वही बात। मुख्यक क्या है? गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है। अब वही बात कि खोखले गोले का केंद्र तो वक्रता केंद्र, खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। अब इसको मैं कैसे देखिए इसकी दो परिभाषाएं, आप दोनों परिभाषाओं को जैसा आपका मन करे वैसे लिख सकते हो। यहाँ तक तुमने पढ़ लिया खोखले गोले का केंद्र तो वक्रता केंद्र, खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। अब अगर त्रिज्या को मैं इस वक्रता केंद्र को ये इसको मैं अगर आर पार मिला दूं, ये मैंने इसको आर पार निकाल दू तो ये क्या कहलाएगा? मुख्यक कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुख्यक क्या है। आपको ये बात याद रखनी है कि गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है। ये सारी कॉमन वर्ड मैं तीनों सभी परिभाषाओं के लिए कर रहा हूँ, वो इसलिए कि इनको याद करने में आसानी हो जाए। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का केंद्र तो वक्रता केंद्र कहलाता है, खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, खोखले गोले के वक्रता केंद्र को आर पार मिलाने वाली रेखा मुख्यक कहलाती है। तुम कह रहे थे सर ये दो परिभाषाएं थी, इसकी दूसरी क्या? देखिए आप अगर इस तरह से लिखना चाहो कि गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, मैंने अभी तो वक्रता केंद्र को आर पार मिलाने वाली रेखा को मुख्यक किया, मैं अगर वक्रता त्रिज्या को पूरी तरह से दोनों तरफ मिलाने वाली रेखा को मुख्यक कहूं तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह से इसको दूसरी तरह इस तरह भी लिखा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या को आर पार मिलाने वाली रेखा को भी आप मुख्यक कह सकते हो। ओके, तीन परिभाषाएं होगी, उनके चित्र बनाने जरूर जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आइए। तो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या, मुख्यक याद करते हैं, फोकस मुख्य फोकस कह लो, फोकस इन दोनों का एक ही मतलब है, मुख्य फोकस कह लो या फोकस उन दोनों का एक ही मतलब है। तो ये मुख्य फोकस या फोकस क्या है? देखिए भाई चीज जो हम सब में कॉमन पढ़ते आ रहे हैं, गोले दर्पण को खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का केंद्र तो वक्रता केंद्र। अब इनको देखो चारों से रिपीट करते हैं ना, वही पहले वाली परिभाषा फिर दूसरी बार, मैं देखो इसी में सब परिभाषाएं मिक्स है। वो कैसे? गोली दर्पण को पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस, लेकिन वो सारी कॉमन चलती आएंगी। देखिए कैसे, गोली दर्पण को खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का केंद्र ये तो वक्रता केंद्र हो गया, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूं वक्रता त्रिज्या हो गई, इसको मैं अगर आर पार मिला दूं तो मुख्य अक्ष हो गया। अब ये तीनों परिभाषाएं इसी में याद हो गई ना, और ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि वो परिभाषाएं भी आसानी से याद रहें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब यह क्या काम किया जाए, यदि मुख्य अक्ष के समांतर, आपको ये बात याद रखनी है मुख्य फोकस में, क्योंकि अब देखिए ये दोनों इसके समांतर हैं,
यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है और गुजरने के पश्चात किसी पर्दे या सतह से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, स्पर्श करती है, टच करती है, उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगे वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि मुख्य फोकस को कैपिटल एस, स्मॉल नहीं, कैपिटल एस, बड़े वाला एस जो है ना अल्फाबेट का, उससे व्यक्त करते हैं। ये बात वक्रता केंद्र को सी से, त्रिज्या को आर से, और फोकस को एफ से व्यक्त करते हैं। तो अब ये बात जो मैंने अभी आपको बताई, ये चार परिभाषाएं हुई, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस। अब इसका जो पांचवा बिंदु है फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, वही चीज है। देखिए अब उनको अगर आप इस तरह से पहले की तरह कॉमन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए कैसे, अभी हमने पढ़ा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो किसी पर्दे या सतह से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जहां पर वो स्पर्श होती है, टच होती है, जरूरी है नीचे की तरफ, यहां भी कर सकते हो ऊपर की तरफ। हमें तो ये बात याद रखनी है कि जब किसी पर्दे या सतह से टकराने के पश्चात जहां पर जाकर वो प्रकाश की किरण मिलती है, उसे फोकस क्या है। अभी फोकस दूरी क्या है, देखिए अगर चाहो तो इसी चित्र में समझ सकते हो, वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र, और फोकस, मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक, इनकी जो टोटल डिस्टेंस है, वक्रता केंद्र और फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जा रहा है। तुम तो कह रहे थे सर उनके लिए यही करना पड़ेगा कि गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले। तो अब इसको कैसे याद, देखिए मैं आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, आप अगर शॉर्ट लिस्ट को लिखना चाहते हो तो सीधा कि वक्रता केंद्र और फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन अगर उसी परिभाषा के जिससे वो हमने चारों पांचों परिभाषाएं पहले पढ़ी हैं, आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो तो आप लिखोगे कि गोली दर्पण को एक खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का वक्रता केंद्र और फोकस, उन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ रहे हो? तो अब ये दोनों क्या है, मैं अगर चाहू तो मैं दोबारा से इसका चित्र बना सकता हूं, और आप, मैंने वैसे उसी में उसको कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे, ये तो क्या था, मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस, वक्रता केंद्र यहां से यहां तक, और इसको हमने इस तरह से देखा था कि जब इस पर कोई पर्दे सतह से टकराने के बाद जहां पर इसको हमने फोकस कहा था। अब देखिए ये तो वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको क्या कहा जा रहा है, फोकस दूरी कहा जा रहा है। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये पांच परिभाषाएं हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस, मुख्य फोकस हो गया, या फोकस दूरी। अब एक चौथी, सॉरी छठी परिभाषा है ध्रुव। देखिए ध्रुव को यहां देख लेते हैं, ये ध्रुव क्या है, देखिए ध्रुव जो है ना दर्पण के पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु। अब देखिए मैं अगर दर्पण की बात करूं तो दर्पण का, देखिए हमने कल कटे हुए डोले का भाग देखा था जिनको हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहा था। तो लेकिन अगर मैं ध्रुव की बात करूं तो ध्रुव क्या होता है, देखिए ध्रुव जो है किसी दर्पण के, अब मैं अगर गोली दर्पण की बात करूं तो गोली दर्पण के लिए भी आप कह सकते हो। देखिए कैसे, जैसे ये इसका आधा पृष्ठ था, ठीक है, और ये इसका यहां से यहां तक पूरा पृष्ठ है, किसका, गोली दर्पण का, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार से चौड़ा के बना लेता हूं जिससे कि गोला नजर आ जाए, ठीक है। अब ये ध्रुव क्या है, देखिए ध्रुव जो है किसी भी दर्पण के पृष्ठ पर स्थित, ये इसका पृष्ठ सतह। अब ये सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रीय बिंदु पर, किसी ध्रुव के केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। अगर मैं इसको परिभाषित करना चाहूं तो कैसे करूं, तो आपको लिखना है, याद रखना है कि दर्पण के पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु। मैं तुम्हें फिर एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जो हमने कल दर्पण के, गोली दर्पण के दोनों प्रकारों को देखा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा था, हमने देखा था उत्तल दर्पण में कि अगर उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका आंतरिक भाग धसा हुआ हो और उस पर हम किसी परावर्तक पदार्थ जैसे रजत या निकिल की पॉलिश कर दें तो फिर वो उत्तल दर्पण बन जाता है, उभरा हुआ भाग पर अगर हम पॉलिश करें तो फिर वो अवतल दर्पण बन जाता है। तो ये बात आपको कॉमनली याद रखनी है। देखिए अब मैं बात ध्रुव की कर रहा हूं, तो ध्रुव क्या था, गोली दर्पण के
परस्पर स्थित वह बिंदु जो उसके केंद्र में स्थित हो। गोली दर्पण के परस्पर स्थित ऐसा दर्पण ध्रुव कहलाता है, या ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट ध्रुव कहलाता है। मैं कॉमनली इस बात को ध्यान से आपको समझाना चाहता हूं कि ये ध्रुव जो है ना, किसी कटे हुए गोले के बीच बिंदु पर, पृष्ठ पर, केंद्र बिंदु पर स्थित होता है, ध्रुव कहलाता है। अब इसको मैं पी से व्यक्त करना, बहुत सी जगह पी से व्यक्त दिखा रखा है, बहुत सी जगह इसको ओ से दिखा रखा है। तो कॉमनली जब हम दर्पण से प्रतिबिंबों का वर्णना पढ़ेंगे तो उनमें जो है ना, हमें उस बिंदु के बारे में याद रखना है कि इसको हम बेसिकली पी से व्यक्त करें या ओ से व्यक्त करें। तो ये जो हमने छह परिभाषाएं पढ़ी हैं, इन छह परिभाषाएं अगर हमें अच्छी तरह आती हैं तो हम दर्पण या लेंस, लेंस को फिर हम बाद में पढ़ेंगे, दर्पण से प्रतिबिंबों का जो बनना है, उत्तल दर्पण से हम अलग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण से अलग पढ़ेंगे। तो जब हम इन दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे बिंदु, वक्रता केंद्र सी चिन्हित हमें करना पड़ता है, फोकस, मुख्य फोकस है वो हमें चिन्हित करना पड़ता है, ध्रुव यह हमें चिन्हित करना पड़ता है, तब जाके हम दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना पड़ेंगे। जैसे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, एफ हो, सी के मध्य में हो, सी पर स्थित हो, तो इन सारी स्थितियों को हम पढ़ेंगे। लेकिन तब जब हमें ये अच्छे से याद हो, वक्रता केंद्र हमसे आता हो, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी और ध्रुव, तो ये क्या है, इन बिंदुओं का क्लियर होना इसलिए जरूरी था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना पड़ेंगे तब इन बिंदुओं का बहुत महत्व होता है। ये बिंदु अंकित किए जाते हैं मुख्य अक्ष पर, भाई ध्रुव अंकित किया जाता है। उसके बाद फोकस एफ, जिसको मुख्य फोकस कह रहे हैं, ये चिन्हित किया जाता है। वक्रता केंद्र सी चिन्हित किया जाता है। तब जाके हम दर्पण पर किसी स्थिति का निर्धारण करते हैं। जैसे वस्तु अनंत पे रखी हुई है, एफ और सी के मध्य में रखी हुई है, सी और एफ से परे रखी हुई है, तो इन बिंदुओं को जब हम तक ये हमें क्लियर होंगे नहीं कि वक्त सी क्या है, एफ क्या है, ओ क्या है, पी क्या है, ठीक है, स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी, तो इनको इसलिए पढ़ना जरूरी था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जिनमें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस जिसको मुख्य फोकस भी कह रहे हैं, फोकस दूरी और ध्रुव, ये छह परिभाषाएं हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। और मैंने इनका बेसिकली एक चार्ट बना रखा था, क्या कि वक्रता केंद्र क्या था, कि गोली दर्पण को खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, गोली दर्पण को खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या था, मुख्य अक्ष के लिए भी ये बात थी कि गोली दर्पण को खोखला गोला माना जा सकता है, खोखले गोले के वक्रता केंद्र को आर पार मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी तरह हमने मुख्य फोकस को पढ़ा है, मुख्य फोकस के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो किसी पर्दे या सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। उसे वो मैंने आपको बता रखा है कि किस किस से इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी क्या थी, वही बात, वक्रता केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस यानी सी और एफ के बीच की दूरी को हमने फोकस दूरी कहा था, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते। इसी तरह ध्रुव था, कटे हुए गोले के केंद्र बिंदु पर स्थित बिंदु दर्पण ध्रुव कहलाता था। और ये ध्रुव जो है इसको हम पी से भी व्यक्त कर सकते हैं, ओ से भी व्यक्त कर, ठीक है। ओके गाइस, अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अगले वीडियो में हम दर्पण से संबंधित या दर्पण से जुड़ी हुई स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो उत्तल से हैं अवतल, दोनों से हम पढ़ेंगे। इनमें अगर आपको कहीं लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं आपसे बता चुका हूँ कि एवरीबडी स्टूडेंट्स यानी प्रॉब्लम डिस्कस मी अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो आई एम ऑलरेडी गोनाव जस्ट बढ़ा रहे। दूसरी चीज क्या है, देखिए ये चीजें जिनको आप बेसिकली अब याद रखना चाहते हो, मैंने इनको ऐसा नहीं है कि सर ये तो कहीं किताब में, मैंने इनको अपनी तरफ से इस तरह से बना रखा है कि बेसिकली तुम्हें आसानी से याद हो जाए। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद पढ़ाने का ये है कि तुम अच्छी तरह बहुत सरल और स्वीट तरीके से उनको समझ जाओ, इनमें टाइम नहीं लगेगा, एक बार में ऐसा समझ जाओ कि दूसरी बार उसको उस तरह से याद करने की आवश्यकता या जरूरत ना पड़े, समझ रहे हो। ठीक है गाइस, अगली वीडियो में कल मैं दर्पण से संबंधित स्थितियों के बारे में आपको बताऊंगा, वस्तु जब फोकस पर हो, अनंत पर हो, सारी स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे। अब इनमें कोई, मैंने अभी तक मेरी तीन वीडियो है, इनमें अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरे समझ से परे है, मैं इनको आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इनको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको दिख नहीं रही है, तो इन फैसिलिटी की वजह से टाइम भी बहुत कम है,
सारी क्लासेस के वो लगे हुए हैं, तो उस तरह से टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, छोटा पढ़ा रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वक्त मिलेगा, मैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी कई दो दो घंटे की वीडियो आपके सामने रखूंगा और वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी जिनको आप समझना चाहते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय।